अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती का कार्यक्रम कन्हैया पैलेस कृष्ण नगर रोड में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया जाएगा। उक्त बातें आम आदमी पार्टी सतना के जिला संरक्षक विजय गुप्ता ने बताई। पार्टी में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सतना के संरक्षक विजय गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के तौर पर संभाग प्रभारी अमित सिंह होंगे। श्री गुप्ता ने आगे बताया कि कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात झंडा यात्रा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका रूट कन्हैया पैलेस से होते हुए हॉस्पिटल चौक, पन्नीलाल चौक, जस्तम चौक से स्टेशन रोड होते हुए सर्किट हाउस, इसके बाद अम्बेडकर चौक, सिमरिया चौराहा में कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा सभा के माध्यम से की जाएगी। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के जिला संरक्षक विजय गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष अनुराग सिंह, पूर्व जिला संयोजक डॉक्टर अमित सिंह, पूर्व पार्षद महेंद्र वर्धन, मनीष सिंह, सुरेन सेन आदि उपस्थित रहे। सब लोग जो देश के लिए प्राण दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं जब देश आजाद होगा, यहाँ लोगों के पढ़ने की स्कूल नहीं होगी, दवाई नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, इसके लिए प्राण नहीं दिए। इससे तो आपके सरकार सक्षम है, अंग्रेज आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन यहाँ जो सत्ता पाने के बाद जो हो रहा है आपकी सबके आंखों के सामने है। सब पत्रकार बंधुओं को सादर जय हिंद, जय भारत। आज हम शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आप लोगों के माध्यम से पूरे नगर को, पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को ये बताना चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह भी थे जो हमारे हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी में झूल गए। उस समय उनकी उम्र बाबसकत 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में वो फांसी में झूल गए थे। उनको आज लगभग पूरे देश में कोई भगत सिंह के लगता है बारे में चैप्टर भी नहीं बचा है, कहीं किसी हिंदी किताब में भी चैप्टर भी हटा दिए हैं। तो अपना कुल मानना ये है कि जो आम आदमी पार्टी के एक किस्म से अगर ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी दो लोगों की विचारधाराओं को लेकर चल रही, प्रमुख रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सरदार भगत सिंह शहीद आजम जी, उनके संबंध में आज पूरे देश में या कि पूरे ज़िले में जहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, जहाँ तक लोग देखें सुने, तो उनके संबंध में जाने और उनके उनके द्वारा किए हुए त्याग को महसूस करें और उनके विचारधारा पे आज का नवयुवक चले, यही हम इसी कारण आज हम लोग कल कन्हैया पैलेस में सरदार भगत सिंह की जयंती मनाने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 2 घंटे का मंचीय कार्यक्रम होगा, उसके बाद लगभग 4 बजे अपने तिरंगा यात्रा भी निकलेगी। तिरंगा यात्रा का रूट रहेगा, कन्हैया पैलेस से निकल के जाएंगे सीधे पन्नीलाल चौक से जय स्तंभ चौक से स्टेशन रोड होते हुए अपन फिर से यहीं सर्किट हाउस चौराहे से अम्बेडकर चौक में कन्हैया पैलेस में आते सभा यात्रा का विसर्जन। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब लोग इष्ट मित्रों सहित आमंत्रित हैं, पधारिए, स्वागत है।